नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ रामनगर नगर क्षेत्र के गंडक भवन परिसर में जन सुराज बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं मंच का संचालन असगर अली इमाम के द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि इस बैठक में प्रखंड व नगर के कार्यवाहक पदाधिकारी की घोषणा की गई। संगठन घोषणा के पूर्व बाइक रैली निकाली गई, जो भुवनेश्वर चौक से निकलकर अंबेडकर चौक होते हुए गंडक आईबी परिसर में पहुंची। इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बगहा विधानसभा प्रभारी श्री स्मिता चौरसिया, मोहम्मद अक्सीर शहनवाज को नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रवक्ता खुशबू कुमारी, कार्यालय प्रभारी अविलास तिवारी, संयोजक गुड्डू पांडे, अभियान समिति सदस्य त्रिवेणी गुप्ता, दिलसाद आलम, इमरान अहमद, मोहम्मद शहनशाह, सोनू कुमार राव, विपुल राय, तरुण राय, दिग्विजय सिंह, मोहम्मद निजामुद्दीन, पप्पू कुमार जायसवाल, मुख्य प्रवक्ता विक्की यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। पश्चिम चंपारण से संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं बिहार की राजनीतिक क्षेत्र की बात करूँ, प्रत्येक पार्टियां अभी से ही अपने चुनावी दंगल की तैयारी शुरू कर दी है, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, इन्हीं का लोग नाम लेते आ रहे हैं वर्षों से। लेकिन एक और अभी पार्टी बनने वाली है, जो भी अभियान के नाम पर चल रही है, जनसुराज, ये भी अपना चुनावी जो दंगल के लिए तैयार कर रही है अपने अपने राजनीतिक जो भी इनके खिलाड़ी हैं उनको। और इस बीच में आपको बता दूं, पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत आज रामनगर प्रखंड में एक इनका कार्यक्रम हुआ है, और पूछेंगे हम इनसे और जानेंगे कि आखिर में इसकी वजह क्या है, आज का जो कार्यक्रम है क्या इसमें किन किन बातों को रखी गई है, और क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से ये लोग अपना रणनीति बनाएंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल में। मैं चाहूँगा आप जो एक लेडी आयरन यदि हम आपको बोले तो इसमें फिलहाल कोई कसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, चूँकि आप एक रामनगर प्रखंड के मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हैं और जन सुराज के बगहा अनुमंडल के आप एक आपको को प्रभार भी मिला है। महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि जन सुराज का जो थॉट है, विचार है, इसके ओर से क्या कहेंगे आप? ये तो महिलाओं की, सबसे पहले मैं सबको नमस्ते करती हूँ और आपके बैवर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम स्मिता चौरसिया, जैसा कि आपने बताया, वर्तमान में खटोरी पंचायत की मुखिया हूँ। आज कार्यक्रम रामनगर प्रखंड में था है, इसमें नए पदाधिकारियों का घोषणा हुई है कि इस प्रखंड में अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन और संयोजक कौन, इसमें 250 लोगों की घोषणा हुई है, ग्राम पंचायत और नगर की भी। और आप बात कर रहे हैं महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी, आपने सुना होगा 25 तारीख को बापू सभागार में पटना जो प्रशांत जी ने कहा था कि वो हमारे भाई हैं, और भाइयों के साथ तो हम बहने होंगी ही ना। इतिहास गवाह है कि जब जब बहनों पे मुसीबत पड़ी है तो भाई ही साथ खड़े होते हैं। वो चाहे आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, महिलाओं के लिए उसके भाई का बहुत महत्व है, और हम प्रशांत जी के साथ हैं और प्रशांत जी शायद हमारे भाई हैं। तो हमारे हिंदू में एक शादी के बाद प्रचलन है भाई पुछार का, उसी का एक हिस्सा है। प्रशांत जी ने हमारे पीड़ा को समझा और हम उनके, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ क्या होंगे। वो हमारे पीड़ा को ख़त्म करने के लिए आए हैं और हम बिहार में परिवर्तन लाएंगे, और क्योंकि बहनें पीड़ित हैं तो इसका दर्द उन्हें है। बिहार के चाणक्य प्रशांत जी हैं और जन सुराज की परिकल्पना उनकी है। हम लोग सभी महिलाएं उनके साथ हैं और बिहार में नई व्यवस्था के लिए खड़े हुए हैं। बिहार के चाणक्य प्रशांत किशोर हैं जिला अध्यक्ष। महोदय जी से आपसे प्रश्न है, किसी अन्य चाणक्य के अधीन रहकर इस बिहार में चंद्रगुप्त के स्थान पर रहकर शासन लोग कर लिए हैं, चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं विकास पुरुष या हमारे लालू जी हैं, सर लग सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
पूरे बिहार के लोगों को, इस पश्चिमी चंपारण के लोगों को जय जन स्वराज कहता हूँ। जो हमारे प्रणेता प्रशांत, आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहाँ आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहाँ आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहाँ आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डीटीडीसी कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, डीएचएल शिपिंग सेवा, डिलीवरी एक्सप्रेस फीस, ईकॉम एक्सप्रेस, जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहां से प्राप्त करें। यहां आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, ओटीटी, माइक्रो एटीएम, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहां से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। किशोर जी हैं, आप मुकाबला करने की बात करते हैं। जब जो बीमारू आदमी है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे लालू जी हैं, ये बीमारू लोग हैं, जब इन्हें दवा की जरूरत होती है तो राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए प्रशांत किशोर के पास जाते हैं और कहते हैं मुकाबला की बात। जो राय लेते हैं जिस व्यक्ति से, उनसे कौन सी का मुकाबला है। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2024 को पटना में 1 करोड़ लोगों के साथ राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं जन स्वराज को, और जितने दल के लोग हैं, लालू जी के दल को, नीतीश जी के दल को मिला दिया जाए तो 1/3 नहीं होगी जन स्वराज के सामने, और हम 1 करोड़ लोगों के साथ जन स्वराज का ऐलान करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 को। मैं अक्षीर शाहनवाज जन स्वराज का नगर अध्यक्ष हूँ। आज मेरे पार्टी का प्रखंड का और नगर का पदाधिकारियों का गठन हुआ है, जिसमें मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया है, रामनगर का नगर अध्यक्ष। आगे की आती क्या है रणनीति? आगे की मेरी रणनीति ये है कि हम सारे लोग लगभग 20 से 25 सालों से भाजपा जदयू राजद के बीच में बंधे हुए हैं, उससे हट के हम लोग जन स्वराज में काम करना चाहते हैं और जन स्वराज को देखना चाहते हैं, और जनता से भी कहना चाहते हैं आप विश्वास करिए, हम लोग जन स्वराजी लोग जो हैं, ये तय है कि हम लोग आपके बिहार के हित में बहुत अच्छा काम करेंगे। मर पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है, और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए, इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा,
बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।